नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान कृषि यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप पाते हैं कृषि संबंधी जानकारी। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इमिटा क्लोपीड 17.8% SL। इसमें SL का मतलब सॉल्युबल लिक्विड कंसंट्रेट होता है। इमिटा क्लोपीड 17.8% SL, ये इसका टेक्निकल नेम है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और किसी ब्रांड नेम से आप ले सकते हैं। आप जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे पास जो आप देख रहे हैं, इसका ब्रांड नेम क्या है, एग्रोमीटा ब्रांड नेम का है और इसको एग्रो केयर द्वारा बनाया गया है। यह एक साथ कई प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने का काम करता है। इस कीटनाशक का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूसक कीटों व अन्य महत्वपूर्ण कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है। लेकिन हम कुछ मुख्य कीटों के बारे में बात करेंगे जिनको अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। तो उसमें एफिड्स है, थ्रिप्स, माइट्स, हॉपर्स, व्हाइट फ्लाई और भी जो अन्य रस चूसक कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य फसलों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप इसका मिर्च, लौकी, टमाटर, धनिया, बैंगन, कद्दू, कपास, मूंगफली, उड़द, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन आदि में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर हम इसमें मिलाकर छिड़काव करने की बात करें तो आप इसमें फंगीसाइड, टॉनिक, NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनके साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और अगर इसके हम रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो 15 से 18 दिनों तक रहती है। और अगर इसके डोज की बात करें तो 15 लीटर पानी में आप 15 ml तक मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, किसान भाइयों, इमिटा क्लोपीड 17.8% SL के बारे में अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं कि जैसे काम कैसे करता है और भी अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों।